क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज पेज नंबर 125 थिंक डिस्कस एंड राइट का क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400, कितने परसेंट से लेस है। हमको ये मालूम है 2400 से 2400, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो लगभग 400 आएगा, तो 400 कम है, लेकिन 400 को परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस वैल्यू किसके साथ में वो कंपेयर हो रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इज इट द सेम एज परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन, 2000 से 2400 कितना मोर है वो हमको बताना है, उसका परसेंट निकालना है, उसके बाद देखना है कि दोनों सेम आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ भी मोर क्या है, 400 है, यहाँ भी लेस कितना है, 400, दोनों जगह में मोर और लेस जो वैल्यू है वैल्यू सेम है, परसेंटेज हम हमारा दिखाने का है, ठीक है। परसेंटेज कैसे दिखाएंगे, लेस वैल्यू पहला 2000 लेस देन 2400, ठीक है, ये तो इजीली 400 आपका निकल जाएगा, ठीक है। मोर वैल्यू 2400 इज मोर, ठीक है, रुपीज 2400 मोर देन 2000, कितना मोर वैल्यू हुआ, तो 2400 में 2000 को माइनस करेंगे तो इतना मोर है, ठीक है। कितना ज़्यादा है कितना कम है, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि इससे ये वैल्यू कितना ज़्यादा है, इससे ये वैल्यू कितना कम है, ठीक है, कितना लेस है, ठीक है। तो यहाँ भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा पहली, ठीक है। अब लेस परसेंट कितना होगा, तो 400 बाय कितने में लेस है, तो कितने में लेस है, बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400 से 2000 कंपेयर किसे किया, 2400 से यहां कंपेयर किया, यहां किसे कंपेयर किया, 2000 से कंपेयर किया, कंपेयर किससे कर रहा है वो देखिए, यहां 2400 से कंपेयर किया, यहां 2000 से कंपेयर कर रहा है, ये जो कंपेयर कर रहा है उसी वैल्यू को लेस परसेंट कितना होगा, 400 बाय 2400 इन 200, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो करना ही पड़ेगा, तो 400 बाय 2400 इन 100, ठीक है। अब आप निकाल लिए तो 50.3 16.66% आएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ कंपेयर 2000 के साथ में कर रहा है, इसलिए 400 बाय 2000 लिखना पड़ेगा, ये 20% आ गया। तो बोथ परसेंट इज नॉट सेम, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि इज इट द सेम एज द परसेंट, परसेंट सेम है क्या, तो हम बोल देंगे नहीं, ये परसेंट सेम नहीं है। कितना फर्क है, तो 20 में 16 को माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा 3.33 के आसपास आएगा, तो वो वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उतना परसेंटेज का फर्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा है, ठीक है। कंप्लीट हो गया।